हेलो दोस्तों, मैं गुलाम सादिक फ्रॉम गुलाम सादिक मोटो। आज के जो टॉपिक है भाई, ये क्लच प्लेट के ऊपर है कि हिमालयन में प्रेशर प्लेट पहले क्यों डलता है। तो प्रेशर प्लेट हमारा इसलिए पहले डलता है क्योंकि इसमें जो है रिंग होती है। अब जैसे मैंने क्लच प्लेट निकाला तो इसके क्लच प्लेट में आपको जो है क्लच प्लेट मिलेगा, स्प्रिंग मिलेगा, प्लस दो रिंग भी मिलेगी, जिसे आप वाशर कह लीजिए, सिम कह लीजिए। और ये सिम आपको जो है क्लच हब में डलेगा। और हब में डालने के लिए आप जो है इसको, पहले तो मैं हब को क्लीन करूँगा। और ये सिम जो है उसी हब में डालने के लिए मैंने निकाला तो फिर इसे जो है क्लीन करने के बाद हब को मैं पुराने सिम को इसमें से निकाल दूँगा, क्योंकि नया सिम जब ऑलरेडी क्लच प्लेट के साथ आता है तो डालूंगा। सिम ये प्लेन है, प्लेन वाला नीचे डलेगा। उसके बाद इसमें कोर हल्का खरी, जो कोर खरा वो बाहर हिस्से की ओर रहेगा। अब इसमें पहले प्रेशर प्लेट डालेंगे। आमतौर पे किसी भी गाड़ी में इसमें पहले क्लच प्लेट डलता है, लेकिन हम इसमें पहले प्रेशर प्लेट डालेंगे। प्रेशर प्लेट डालते समय आपको एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस भी साइड से डाले दोनों में से, वही सेट प्रॉपर आपको रखना है। क्लच प्लेट नॉर्मली आप खुद भी मैकेनिक है, किसी साइड से डाल सकते हैं, या आपको कुछ है, जैसे आपका दिल चाहता है उसी तरह से आप डालिए। बाकी तो आप खुद ही चीज से क्लच प्लेट डालने के लिए कोई बड़ाई नहीं है कि भाई इसे नए से डालना, ऐसे नए से, ऐसा कुछ तो इसमें बड़ा इशू है नहीं। तो नॉर्मली आप इसको डाल के जो है एक एक करके डालिए। और डालने के बाद ये मेरा क्लच प्लेट डाला कंप्लीट हो गया। लास्ट वाला जो है क्लच प्लेट ही डलेगा, पहले प्रेस प्लेट डलेगा। अदर बाय बाइक में क्या होता है, पहले क्लच प्लेट डलता है, एंड में भी क्लच प्लेट डलता है, लेकिन इसमें पहले प्रेशर प्लेट डलता है, फिर जो है क्लच प्लेट एंड में होता है। अब इसे मैं क्या करूँगा कि ये घाट में, ये ग्रीन घाट देख रहे, मैं इसे इसलिए मिला रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने दे रखा है। इसमें कोई बड़ा इशू ये नहीं है कि इसको सेंटर में ही लाना है या कहीं अदरवाइज, वो आपकी मर्जी, आप कहीं भी डाल सकते हो। मैंने बस दिल किया, मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। हब में नॉर्मली जैसे आपके भी देखते हैं कि एक क्लच प्लेट साइड में हम होजिंग के लगता है, वो इसमें भी है। फोकस आपको इस नट पे करना है, नट पे इसलिए करना है क्योंकि वो लॉक होता है। अगर लॉक नहीं किया आप नट पे, तो फिर वो नट अपने आप खुल सकती है और ये बहुत बड़ा इशू गाड़ी में आएगा, क्योंकि गाड़ी क्लच प्लेट काम नहीं करेगा, क्लच तो काम बिल्कुल, गाड़ी डेड हो जाएगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्लच प्लेट लगाने के लिए आपको 10 नंबर के बड़े बोल्ट चाहिए, जिसके लिए आपका इसका स्प्रिंग बहुत लंबा होता है, उसके लिए आपको चापने के लिए परफेक्ट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप छोटे छोटे बोल्ट डाल के उसे रिटर्न खोल लीजिए और स्प्रिंग को सेंटर में ज़रूर मिलाइए। देखिए मेरा क्लच कंप्लीट है, कहीं कुछ नहीं है। मैं अब होजिंग क्लच पल्ला लगा रहा हूँ। क्लच पल्ला लगाते समय वाटर कूलर का इस पर कनेक्शन आता है, वो पाइप को आपको फोकस करना है। और उसके अलावा इसके क्लच कवर में तीन तरह के बोल्ट डलते हैं, तीन साइज के बोल्ट होते हैं। तीन साइज के बोल्ट को आपको ध्यान देना है, क्योंकि आधे हिस्से नीचे के होते हैं, आगे ऊपर के। एक जो लंबा वाला होता है वो ऑयल फिल्टर के पास लगता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम हो आपके रॉयल एनफील्ड में तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।